हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं धीरज यादव सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर। तो अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि अगर मैं बात करूं सीरीज टॉपिक का, ये आज आपका पार्ट टू होने वाला है। और अगर प्रीवियस सेशन की हम बात करें, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नंबर सीरीज बिल्कुल डिटेल में कवर अप किया, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में यह भी बताया कि जब हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम लोग अल्फाबेट से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक अभी तक नहीं देखा, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का सेशन पहले जाकर के देख लेंगे, जिससे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज समझने में आसानी होगी। अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल सीरीज की, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत आने वाले वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कुछ बेसिक बातें अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं, तो जैसा कि अल्फाबेट में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ था, ए से लेकर के जेड तक, यानी कि इनकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू, इनका स्थानीय मान। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था ए से लेकर के एम तक, यानी कि इसको हमने टू हाफ में डिवाइड किया था, और एम का अपोजिट लेटर होता है एन और ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, यानी कि हम लोगों ने अपोजिट लेटर्स के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। बेसिकली आपको इन्हीं टर्म्स की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, और कई बार आपको इनकी प्लेस वैल्यू की सम ऑफ डिजिट वगैरह का भी आपको यहाँ पे लॉजिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधे हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो आपकी स्क्रीन पे यहां पे क्वेश्चन आ चुके हैं, और अप्रोच क्या होने वाला है। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस में, तो मैं यहां पे प्लेस वैल्यू लिख करके आपको बिल्कुल इसको नंबर सीरीज के फॉर्म में कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें बताऊंगा, और इसके बाद हम लोग सीधे सीधे इसके प्लेस वैल्यू के टर्म में इसको समझते हुए चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे पहले क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो अगर मैं बात करूं इनकी प्लेस वैल्यू की, यानी कि 3, 5, 7, 10, 13, 17, और नेक्स्ट हम आपको फाइंड करना है क्या। अभी यहाँ पे आपको ये बिल्कुल नंबर सीरीज जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर सीरीज का आप कह सकते हैं इजिएस्ट फॉर्म ये हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टिपिकल नंबर या इनकी वैल्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स ही होते हैं। बेसिकली आपको जो देखने को यहाँ पे मिलेंगे नंबर, वो इन्हीं 26 लेटर के प्लेस वैल्यू के बेसिस पे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे 3 से 5 के बीच में 2 का अंतर, 5 से 7 के बीच में 2 का अंतर, 7 से 10 के बीच में 3 का अंतर, 10 से 13 के बीच में 3 का अंतर, 13 से 17 के बीच में 4 का अंतर, यानी कि अगला कितने का अंतर होगा ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 बार हमें 2 का अंतर देखने को मिला, 2 बार हमें यहाँ पे 3 का अंतर देखने को मिला। इट मीन्स अगली बार भी यहाँ पे 1 बार 4 आ चुका है, तो अगली बार भी हमें कितने का अंतर देखने को मिलेगा? 4 का अंतर देखने को मिलेगा। इट मीन 17, 4 की अगर हम बात करें, तो 21 जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है? यू की। यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं यहाँ पे प्रश्न की बात करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जे की बात करें तो हो जाएगा 10, क्यू की बात करें तो 17, डब्ल्यू की बात करें तो 23। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपको यहां पे B देखने को मिल रहा है, यानी कि जब हम Z की बात करेंगे तो Z हो जाएगा आपका 26, और Z के बाद जब हम A लेंगे तो इसको हम 27 कंसीडर कर सकते हैं, B की बात करें तो इसको हम 28 कंसीडर कर सकते हैं, C की बात करें तो 29 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे B को हम क्या कंसीडर करेंगे? अगर नंबर के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट ही करें तो इसको हम 28 कंसीडर करेंगे, और यहां पर अगर हम बात करें एफ की, तो 26, 6, 32, यानी कि हो जाएगा आपका 32। और जैसा कि नंबर सीरीज में हमने जब कॉन्सेप्ट यानी कि हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या लॉजिक्स आपके लगते हैं, तो आपने देखा कि जो पूरा का पूरा आपका नंबर सीरीज है, वो बेसिकली अगर हम सीरीज की ही बात करें तो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? आपके डिफरेंसेस पर बेस्ड होता है। और मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट टर्म्स, दो विभिन्न पदों के बीच का अंतर। तो वैसे ही यहां पर अगर हम दो विभिन्न पदों के बीच के अंतर की बात करेंगे, तो 8 का अंतर, 7 का अंतर, 6 का अंतर, 5 का अंतर, 4 का अंतर, तो नेक्स्ट वन आपको क्या मिल जाएगा? 3 का डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि f प्लस 3 करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैल्यू i, जो कि प्लेस वैल्यू अगर हम बात करें तो इसकी होती है 9। अगर इसको हम इसके टर्म 26 के बाद अगर हम बात करें तो 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 34।
5 जो कि आपको 32 में 3 जोड़ने पर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 के बाद हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो अगला टर्म हमें मिल जाएगा। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो गया, मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे बात करूंगा लेटर्स की प्लेस वैल्यू के टर्म में, और यहाँ पे आप कैसे बिना कॉपी और पेन के इस्तेमाल किए क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 से कितना हो जा रहा है 19, 21 से हो जा रहा है 19, 19 से हो जा रहा है 17, 17 से हो जा रहा है 15, 15 से हो जा रहा है 13, तो 13 से क्या हो जाएगा आपका 11 जो कि प्लेस वैल्यू होती है k की, और 11 से हो जाएगा 9 जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी i की। क्लियर। नंबर्स के टर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है 21, 19, 17, 15, 13, 11 और 9, जो कि आसानी से आप क्या कर सकते थे क्रैक कर सकते थे। क्लियर। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल लेटर वाले सीरीज दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग ग्रुप में जो आपके लेटर्स होते हैं उस पर बेस्ड सीरीज की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोगों ने देखा था नंबर सीरीज में अल्टरनेट सीरीज यानी कि अल्टरनेट टर्म्स भी हम लोग क्या करते हैं, अगला जो आपका मिसिंग टर्म होता है उसको कैसे फाइंड करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था और देखा था कि अल्टरनेट टर्म के अलावा भी आपको क्वेश्चन आसानी से कई बार सॉल्व होते हुए मिलते हैं विदाउट यूजिंग अल्टरनेट टर्म। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कैसे बनाने इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे 25, फिर 2, फिर 20, 7, 15, नेक्स्ट टर्म आपका क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम यहाँ पे बिना अल्टरनेट टर्म के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है -23, यहाँ पे हो जा रहा है +18, यहाँ पे हो जा रहा है -13 और यहाँ पे हो जा रहा है +8, यानी कि अगला टर्म क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आप यहाँ पे अगर डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे 23 से कितना हो जा रहा है 18 यानी कि 5 का अंतर, 18 से हो जा रहा है 13 यानी कि 5 का अंतर, और 13 से हो जा रहा है 8 यानी कि 5 का अंतर। तो अगला भी अंतर कितने का होगा 5 का होगा। एक बार प्लस एक बार माइनस अल्टरनेट है तो यहाँ पे प्लस के बाद क्या आएगा माइनस आएगा, तो इसमें से जब हम माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी 3, वो भी माइनस की। तो 15 में से जब हम 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12 जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है एल की होती है, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा एल। ये हो गया इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके की अगर बात करें तो ये होगी प्लेस वैल्यू, और यहां अगर आप अल्टरनेट टर्म से जाते हैं तो देखो 25 से हो गया 20, 20 से हो गया 15, तो 15 से क्या हो जाएगा 10, यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो टर्म आएगा वहां पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको जे, जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10। जबकि हम बात करें 20 से जब हम जा रहे हैं जी तो क्या हो रहा है +5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या करेंगे हम +5 करेंगे तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 12 जो की प्लेस वैल्यू किसकी होती है एल की, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एल। तो दो मल्टीपल यहाँ पे आपको तरीके मैंने बताए कि कैसे आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको ओरली आसानी से बना सकते हैं, आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात करते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की। अगले दिन मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ए से हो जा रहा है डी यानी कि +3, डी से हो जा रहा है आई यानी कि +5, आई से यहां पे +x और यहाँ पे बात करें तो +y, और x और y की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इस क्या करना चाहिए सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। क्लियर, इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए और इसी पर बेस्ड अगर मैं इसको नंबर सीरीज में कन्वर्ट करूँ तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि i और अगर y के बीच के हम डिफरेंस की बात करें तो 25 और 9 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 16 का, और 16 को हम दो ऐसे भागों में तोड़ें जो कि इस सीक्वेंस को क्या करता हो वैलिड दर्शाता हो, यानी कि सीक्वेंस पे आपका फॉलो इस सीक्वेंस को फॉलो करता हो। तो 5 के बाद अगर हम 7 लेंगे तो अगला टर्म हो जाएगा 9, और 9 + 7 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 16, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3, 5, 7, 9 एक वैलिड सीक्वेंस को भी ये क्या कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5, 3, 8 यानी कि इस बार जो डिफरेंस सॉरी 5, 7 क्या हो जाएगा 12, यानी कि इस बार जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 12 का डिफरेंस होगा, यानी कि 9 और 12 की अगर हम बात करें, 9 और 7 की अगर हम बात करें यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा,
तीन का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस, फिर अब सात का डिफरेंस लेंगे, ना कि बारह का, सॉरी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, सात के डिफरेंस की। तो जब हम नौ में सात जोड़ेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी सोलह, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, पी की। और पी में हम कितना जोड़ेंगे, नौ जोड़ेंगे, तो यानी कि सोलह नौ कितना हो जाएगा, पच्चीस, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, वाई की, जो कि आपको वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर लेते, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते तो भी ये क्वेश्चन हमें आसानी से बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए कैसे, एक की बात करें तो एक, चार, नौ, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे लिखते हैं 25। कैसे, अब हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तीन का डिफरेंस, यहाँ पे पाँच का डिफरेंस, यहाँ पे लेते हैं x का डिफरेंस, यहाँ पे लेते हैं y का डिफरेंस, और x प्लस वाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 9 से 25 जा रहे हैं, यानी कि कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। इस 16 को दो ऐसे भागों में तोड़ें जो कि इस सीक्वेंस को क्या करे, कहीं ना कहीं वैलिड रूप से सही होता हुआ आपको दिखाई दे। तो यानी कि 16 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है तो अगली बार 7 का डिफरेंस होगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि प्लेस वैल्यू किसकी होती, पी की। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस पे, यानी कि इस प्रकार के ग्रुप में जो आपको लेटर्स के ग्रुप दिखाई देते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसका जो बेस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी कि दो इसके तरीके होंगे, दोनों तरीकों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कई बार दोनों तरीकों से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और कई बार आपका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक ही तरीका लगता हुआ आपको दिखाई देगा, जबकि दूसरे तरीके से क्वेश्चन कई बार नहीं बनते हैं। तो दोनों ही तरीकों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपको बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो सभी में क्या है, फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेंज केवल कहाँ हो रहा है, मिड टर्म में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मध्य अगर हम यहाँ पे पद की बात करें तो ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यानी कि अगर हम उत्तर की बात करें तो के यू जेड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, जो कि काफी इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरियस इसके वेज की, कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो पहला तरीका है वो ये है कि आप फर्स्ट टर्म को किसके साथ कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले अगर हम टर्म की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बी है तो बी से हो जा रहा है एफ, यानी कि क्या कर रहे हैं, प्लस फोर कर रहे हैं, फिर एफ से हो जा रहा है जे, प्लस फोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, प्लस फोर, यहाँ से भी कर रहे हैं प्लस फोर, यानी कि अगला भी हम क्या करेंगे, प्लस फोर करेंगे, तो 18 चार हो जाएगा 22, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, v की। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो तीन, तीन चार सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस चार तेईस, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, w की। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो पाँच चार नौ, नौ चार तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, और इक्कीस चार पच्चीस, जो कि प्लेस वैल्यू होती किसकी, वाई की, और ये आपका आंसर आसानी से आ गया। ये हो गया एक तरीका क्वेश्चन को हल करने का। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू के टर्म में इसको आसानी से समझ पाएंगे। और 21, तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पे तीन तीन के पेयर में आपको लेटर्स दिए गए हैं। अगर इन लेटर्स के हम सीक्वेंस की बात करें तो जब हम अगले पेयर के लेटर की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रीवियस वाला जो पेयर का लास्ट लेटर है उसके अगले टर्म से ही हम क्या कर दे रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, फिर एक हम नंबर को छोड़ करके उसका अगला नंबर ले ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो तीन, फिर चार को छोड़ दिए पांच, फिर अगले वाले की शुरुआत हमने छह से करी तो छह सात, फिर आठ को छोड़ दिए तो नौ, अगले वाले की शुरुआत हमने दस से करी दस ग्यारह, फिर बारह को छोड़ दिया तो 13, अगले वाले की शुरुआत हमने करी 14 से, फिर 15, फिर 16 को छोड़ दिया तो हो गया 17, अगले वाले की शुरुआत करी 18 से, फिर अगला लेटर 19, और फिर एक को छोड़ दिया तो आ गया यहां पे 21। ठीक है, अगले वाले की शुरुआत हम किससे करेंगे, 22 से करेंगे, 22 के बाद अगला नंबर हो जाएगा 23, और फिर एक को छोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा 25। प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये होती है v की, ये होता है w का, और ये होता है y का। तो आप इसको डायरेक्ट, अगर आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से नहीं कंपेयर करते तो भी आप इसको बना सकते थे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ज़्यादातर अगर हम बात करें, जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कंपेयर करके क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे बिना किसी कठिनाई के, तो आप उस तरीके को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले
प्रश्न की। अगले यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जा रहा है 24 से 21, 21 से हो जा रहा है 18, यानी कि 24 से जब हम 21 गए तो कितने का डिफरेंस देखने को मिला, 3 का डिफरेंस देखने को मिला, 21 से 18 गए तो 3 का डिफरेंस, यानी कि 18 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी ओ। प्लेस वैल्यू की टर्म में अगर हम बात करें तो देखो 24, 21, 18 और ये हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो देखो 6 से हो जा रहा 7, 7 से हो जा रहा 8, 8 से हो जाएगा 9। प्लेस वैल्यू किसकी होती है आई की। लास्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4 क्या हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में अच्छा 5, 2, 7, यहाँ पे 7 है, 2 का ही अंतर दिखाई दे रहा, तो 7, 2 हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू मिल जाएगी आई। ठीक है, ओ आई आई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, लास्ट वाले को लास्ट के साथ, तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 24 से 21, 21 से 18, 18 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 से हो गया 7, 7 से हो गया 8, 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 7, 7 से क्या हो जाएगा 9, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा ओ आई आई। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले दिन मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो ए से हो जा रहा बी, बी से हो जा रहा सी, सी से हो जा रहा डी, डी से क्या हो जाएगा ई, आसानी से आप निकाल सकते थे। जेड से हो जा रहा वाई, वाई से हो जा रहा एक्स, एक्स से हो जा रहा डब्लू, डब्लू से हो जाएगा वी। यहाँ पे देखिए वाई से हो जा रहा एक्स, एक्स से हो जा रहा डब्लू, डब्लू से हो जा रहा वी, वी से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा यू, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ई, वी और यू। प्लेस वैल्यू के टर्म में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे देखेंगे 26, 25, 24, 23, 22, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25, 24, 23, 22 और 21। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके पास है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं याद है तो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को प्लेस वैल्यू बिल्कुल एकदम दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, यानी कि W के साथ साथ ये 23 नजर आना चाहिए, R के साथ साथ 18 नजर आना चाहिए, अगर हम बात करें Y की तो 25 नजर आना चाहिए, U की बात करें तो 21, X की बात करें तो 24, यानी कि जहां भी आपको जो लेटर दिखाई दे रहा है उसके साथ साथ उसकी प्लेस वैल्यू भी आपके दिमाग में एट अ मोमेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए से हो जा रहा डी, यानी कि कितना प्लस 3, यानी कि 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से कितना हो जाएगा 13, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी एम की। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 25 से 23, 23 से 21, 21 से 19, 19 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 17, प्लेस वैल्यू किसकी क्यू की। 2 से 5, 5 से 8, 8 3 11, 11 3 14, प्लेस वैल्यू किसकी एन की। 26 से 24, 24 से 22, 22 से 20, 20 से 18, प्लेस वैल्यू किसकी आर की। 3 से यहां पे देख रहे हैं 6, 6 3 9, 9 3 12 और 12 3 15, प्लेस वैल्यू किसकी ओ की। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गए कुछ बेसिक तरीके। अब हम लोग आएंगे सीधे प्रश्न पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों पे हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके कैसे अप्लीकेबल हो रहे हैं और कैसे आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। चलिए आते हैं आपके SSC CHSL 2020 में पूछे गए प्रश्न पे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 16 से 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 2 कितना 20, 20 2 कितना 22, 22 2 लेंगे तो कितना 24। जब ऑप्शन होंगे तो अप्रोच हमारा क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि दो ऑप्शन क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। अब हम उस टर्म की बात करेंगे जो कि आपके बचे हुए दो ऑप्शन में क्या होगा अलग होगा, और अगला ही टर्म आपको दोनों में अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि बाकी के सारे टर्म आपको दोनों ऑप्शन में अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा आपका कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेस्ट वे है कि आप मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी को आप वेरीफाई यहां पे करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहां पे देखिए 14 से 2 16, 16 2 18, 18 2 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा 22, 1 से 4 जोड़े तो 5, 5 4 जोड़े तो 9, 9 में 6 जोड़े तो 15, अच्छा ए ई आई ओ यू चल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला यू, यानी कि यहाँ पे वॉवेल का आपका लॉजिक लग रहा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन भी आपके SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो सी से गए बी, बी से गए ए, ए से गए जेड, जेड से कहाँ जाएंगे
वाई पे जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अगला टर्म ये आपको दोनों में अलग दिखाई दे रहा है, तो अगले टर्म की अगर हम बात करें तो 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, तो प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस तरीके से मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अगले पूछे गए प्रश्न की, जो कि आपके SSC CHSL का ही प्रश्न है। लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग लगता हुआ दिखाई देगा, कैसे यहाँ पे लॉजिक अलग है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग ट्राई करेंगे, और जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को कहा था कि आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि किन लॉजिक्स के साथ में आप फैमिलियर नहीं, यानी कि कौन से लॉजिक आपके लिए नए हैं, जिन लॉजिक्स को आप नहीं जानते थे। इसके अलावा आपके दिए गए प्रश्नों में से कितने क्वेश्चंस आसानी से आप बना पा रहे हैं, इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहां पे देखिए अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो R, फिर S, S, S आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मिड टर्म यहां पे आपका क्या है, मिसिंग है। ठीक है, मिड टर्म आपका क्या है, मिसिंग है, यानी कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहां पे बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान देंगे, इसको अगर मैं इस प्रकार से लिखूं, और इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे, चलिए अगर आप ध्यान देंगे तो आप नेक्स्ट वाले में देखेंगे, अगर इसको हमने क्या किया, चार ग्रुप्स में इस प्रकार से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, चौथा वाला ग्रुप का एलिमेंट आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, बाकी आपके तीन एलिमेंट एज इट इज हैं। थर्ड अगर हम स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में आपको क्या देखने को मिला, सेकेंड एलिमेंट में चेंज देखने को मिल रहा है, बाकी के एलिमेंट आपके प्रीवियस वाले ग्रुप के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें फिफ्थ वाले एलिमेंट में, तो फिफ्थ वाले एलिमेंट में आप देखेंगे कि आपको लास्ट एलिमेंट में चेंज दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो चेंज होगा वो किस में होगा, थर्ड एलिमेंट में चेंज होगा। चेंज किस प्रकार हो रहा है, तो 18 से ये हो जा रहा है 19, 5 से ये हो जा रहा है 6, इट मीन्स ये 19 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। बाकी के एलिमेंट आपके प्रीवियस ग्रुप के जैसे ही रहेंगे, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर क्या हो जाएगा, SFTT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, इसको अगर हम सीरीज पे समझते तो देखिए आर से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एस हो जा रहा है, बाकी एलिमेंट आपके एज इट इज बने हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ई से क्या हो जा रहा है, एफ हो जा रहा है, बाकी के आपके एलिमेंट एज इट इज बने हुए हैं। इट मींस कि अब अगला जो चेंज होगा वो किस में होगा, वो तीसरे टर्म में होगा, यानी कि एस से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, बाकी के एलिमेंट आपके एज इट इज बने रहेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, SFTT। और ये वैलिड है कि नहीं इसको चेक करने के लिए अगर हम देखें, तो अगला चेंज आपका होगा कहाँ, फोर्थ एलिमेंट में, यानी कि SFT और अगला एलिमेंट एक बढ़ा के हम लिख देंगे यू, जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले जो प्रकार का प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न को आप बना के तो आते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में जो आपका समय लगता है, क्या उतना समय लगना चाहिए, क्या आपको क्वेश्चन बनाने के बाद कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने जो आंसर मार्क किया है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं रहता है तो आज के बाद बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को अभी तक आपने बिना ऑप्शन के इन जनरल नहीं देखा होगा या नहीं बनाया होगा, लेकिन बिना ऑप्शन के भी इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हालांकि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन के साथ ही हमें जाना है, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चंस के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम लोग हर एक बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूं, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने दिए गए हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग आपके जो मिसिंग एलिमेंट होते हैं उनको भी, यानी कि मिसिंग एलिमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे जब हम काउंटिंग करेंगे। मान लेते हैं काउंटिंग करने के बाद हमारे पास एलिमेंट कितने आ गए, 12। मान लेते हैं एलिमेंट कितने आ गए, 12 आ गए। तो जब हमें 12 एलिमेंट मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है, इनकी ग्रुपिंग कर लेना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, या तो पहला जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको फॉलो करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, हर एक बात को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 12 है तो या तो ये तीन तीन के चार ग्रुप्स में बनेंगे, या तो ये चार चार के तीन ग्रुप्स में क्या करेंगे हम इसको बनाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके 16 है तो हम क्या करेंगे, चार चार के चार ग्रुप्स में बनाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके 15 है तो पांच पांच के तीन ग्रुप में बनेंगे, या फिर तीन तीन के पांच ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 18 या 20 है तो छह छह के तीन, या तीन तीन के छह, इस प्रकार से हम क्या करेंगे इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ तो चार का चार ही रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कर लेना होता है, ग्रुपिंग कर लेना होता है। तो क्या सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग से ही बन जाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। होल्ड करिए, थोड़ा सा लाइट का इशू है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रुपिंग की, तो क्या सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग से ही बनने वाले हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ग्रुपिंग से किन किन प्रकार के प्रश्नों को बनाया जा सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुपिंग से बनते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से आपके क्वेश्चन में, जब 18 एलिमेंट है तो 6 6 के तीन ग्रुप्स में बांटना है या तीन तीन के छह ग्रुप्स में बांटना है, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा। जब हमें 12 एलिमेंट दिखाई देंगे तो तीन तीन के चार ग्रुप्स में बांटना है या फिर चार चार के तीन ग्रुप्स में बांटना है, तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आ जाते हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि आपके ग्रुपिंग से बनते हैं, तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं, फिर आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे पहले प्रकार का जो प्रश्न होगा, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक ले लेते हैं 12 एलिमेंट्स के एक क्वेश्चन को। तो अगर मान लेते हैं 12 एलिमेंट्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच ग्रुप है सेम एलिमेंट, यानी कि ईच ग्रुप है सेम एलिमेंट। अगर हम बात करें प्रत्येक ग्रुप में यहाँ पे क्या है, आपके समान एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपके सेम एलिमेंट तो होंगे एज वेल एज उनकी पोजीशन भी क्या होगी, सेम देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ए बी सी सी बी ए ए बी सी सी बी ए, यानी कि नेक्स्ट जो टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप्स में आपको सेम एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रकार का प्रश्न जो आप ग्रुपिंग करके बनाएंगे, ठीक है। तीसरे प्रकार के अगर हम प्रश्न की बात करें, तो तीसरे प्रकार का जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि अगर हम बात करें इसको हम इस प्रकार से लिखें ए बी सी सी ए बी, पहले इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा बेहतर तरीके से कि ये साइक्लिक ऑर्डर में बन कैसे रहा है। तो हम बात करें सी ए बी, फिर हम बात करें बी सी ए, फिर हम बात करें ए बी सी की, ठीक है। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में ये आपको कैसे समझ में आएगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। चलिए, ये आपका साइक्लिक ऑर्डर में ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस प्रकार से ए बी सी सी ए बी, फिर यहाँ पे बी सी ए और फिर यहाँ पे ए बी सी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये आपको साइक्लिक ऑर्डर में नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, आपको एक पैटर्न को फॉलो करते हुए शिफ्टिंग फॉर्म में आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर, जहाँ पे आपके एलिमेंट्स एक
पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चौथे प्रकार के अगर हम प्रश्न की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट, ए बी सी, सी बी ए, ए सी बी, बी ए सी, ठीक है। यानी कि अगले प्रकार के हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट बट नॉट ऑन द सेम पोजीशन, यानी कि एलिमेंट तो आपके सेम होंगे प्रत्येक ग्रुप में लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं होगी, यानी कि हर एक एलिमेंट हर एक ग्रुप में एक एक बार आना चाहिए। तो ऐसे प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। और ग्रुपिंग में आपको जो आखिरी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि ग्रुपिंग से बनता है, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे कि हमने लिखा ए बी सी, ए सी, ए डबल सी, फिर ए डी सी, फिर ए ई सी। यानी कि आपको यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हुए नजर आएंगे, चेंज होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स बताए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और हम लोग इसको क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रकार का प्रश्न जो कि इन जनरल आपसे नहीं बनता है, उस प्रश्न को बनाने में कठिनाई होती है, तो वहां पे आपका क्या होता है एलिमेंट इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे एलिमेंट आपके इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, जैसे कि ए डबल बी सी, ए ट्रिपल बी सी, फिर ए फोर टाइम्स बी, फिर सी। इस प्रकार से आपको एलिमेंट इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप से पूछे जाने वाले प्रत्येक जो आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि ये तरीके हमारे इंप्लीमेंट कैसे होते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। एक बात जो यहाँ पे रह गई, अगर उसके बारे में हम चर्चा करें तो हम यह कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें चार चार की तीन ग्रुपिंग करनी है या तीन तीन की चार ग्रुपिंग करनी है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो तरीका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो मोर देन 90% टाइम आपका ये तरीका बिल्कुल अप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें जो कि आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेनी, हालांकि शॉर्ट नोट्स में मैं ये सभी बातें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे हम यह कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको तीन तीन के चार ग्रुप्स में बांटना है या चार चार के तीन ग्रुप्स में बांटना है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक तो दिखाई दे रहा है पी, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्यू, और यानी कि यहाँ पे दो ही हमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम बात करें यहाँ पे कौन से एलिमेंट हमें पेयर में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको P क्या दिखाई दे रहा है, पेयर में दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको भी हमें क्या करना होता है, एक कंसीडर करना होता है। तो यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार से आपको यहाँ पे तीन एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तीन तीन के हम क्या करेंगे, चार ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। जबकि अगर आपको यहाँ पे कहीं क्यू भी पेयर में दिखाई दे जाता तो हम क्या करते, इसको चार कंसीडर करते और चार चार के हम तीन ग्रुप्स में इसको क्या करते, डिवाइड करते। लेकिन अभी क्या करना है हमें, इसको तीन तीन के चार ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको तीन तीन के चार ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका एक ग्रुप, ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप, ये हो गया आपका तीसरा ग्रुप। अब इसको जब हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट P, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट P, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट P, इट मीन्स यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट एलिमेंट आपको P दिखाई दे रहा है, केवल एक में आपको लास्ट एलिमेंट P दिखाई दे रहा है, बाकी सब में क्या है, स्पेस है।
यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्यू, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्यू, यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट क्यू, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यानी कि मैंने जो आपको बताया था, ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट एज वेल एज ऑन द सेम पोजिशन, उस प्रकार का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें लास्ट एलिमेंट की, तो अगर एक में हमको लास्ट एलिमेंट पी मिल गया, इट मीन्स यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट पी होगा, यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट पी होगा, और यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन को बनाने के बाद सही है या गलत है, वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा क्वेश्चन बनाने के बाद। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 3, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12 एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो दिखाई दे रहा है बी, एक दिखाई दे रहा है टी, और एक दिखाई दे रहा है ए। कोई भी यहाँ पे एलिमेंट आपको रिपीटिंग फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 3, 3 के 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 3, 3 के 4 ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ भी है, सेकंड एलिमेंट यहाँ भी है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे भी, इट मीन्स सेकंड एलिमेंट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे टी, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी हो जाएगा। और अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट की, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आपको बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बी दिखाई दे रहा है, इट मीन्स बचे हुए दो स्थानों पे भी हम क्या फिल करेंगे, बी को फिल करेंगे। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें, तो बी ए टी, बी ए टी, बी ए टी का आपको यहाँ पे सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तरीके की बात करें तो तरीका क्या था आपका, सबसे पहले एलिमेंट्स को काउंट करना था, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करनी थी। ग्रुपिंग कैसे करनी है उसके बारे में मैंने बताया कि एलिमेंट्स देखते हैं कि कितने आपके एलिमेंट्स यहाँ पे यूज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम इनकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर ये हम डिसाइड करते हैं कि ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट है या अल्टरनेट ग्रुप हैव सेम एलिमेंट है, वो आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद इजिली पता चल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, 4 की ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पे कोई लॉजिक हमें लगाने की जरूरत नहीं है कि 4, 4 की ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि दोनों ही तरीके से यहाँ पे आपके 4, 4 के ही ग्रुप्स बनते हुए दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप का है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट ए, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट ए, लास्ट में सब में आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी कि ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट, उसी प्रकार का प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पे बचा हुआ एलिमेंट है आपका डी, यहाँ पे बचा हुआ एलिमेंट है आपका ए, यहाँ पे बचा एलिमेंट है आपका सी और डी, बचा एलिमेंट है यहाँ पे आपका सी। यानी कि आप देख सकते हैं ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, इजिली आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एलिमेंट्स की बात करें तो आपको ए दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, कोई भी आपको रिपीटिंग फॉर्म में एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि 3, 3 के क्या करेंगे, 4 ग्रुप्स में इनको बांट लेंगे। एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट वाला फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट बी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपको ए दिखाई दे रहा है, यानी कि बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर लॉजिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मिड टर्म भी दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे भी मिड टर्म आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अल्टरनेट ग्रुप हैव सेम एलिमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑप्शन होता तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी होती, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अल्टरनेट ग्रुप हैव सेम एलिमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम सेकंड एलिमेंट को सी फिल करें और लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे हम बी फिल करें, तो फर्स्ट और थर्ड आपको बिल्कुल सेम ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा ए बी, यानी कि यहां पे हम फिल करेंगे ए, यहां पे हम फिल करेंगे बी, और लास्ट एलिमेंट जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया होगा उसी के बेसिस पे, यानी कि अगर यहां पे मान लेते हैं सी दिया गया होगा तो हम सी फिल करेंगे, यहां पे डी दिया गया होगा तो हम डी फिल करेंगे। जो भी आपको एलिमेंट दिया गया होगा ऑप्शन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग यहां पे अगले पूछे गए प्रश्न पे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या कर लेना है, काउंटिंग कर लेना है कि कितने आपके यहाँ पे एलिमेंट्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अब हम यहाँ पे या तो 5, 5 के 4 पेयर बनाएंगे या तो 4, 4 के 5 पेयर बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चन ग्रुपिंग पर बेस्ड हुआ तो। एक ही मैंने कहा क्वेश्चन होगा जो आपका ग्रुपिंग पर बेस्ड नहीं होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर यहां पे एलिमेंट्स दिए गए होंगे तो।
तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स आपका एक तो P दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है, एक S दिखाई दे रहा है, एक R दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें पेयर में, तो पेयर में आपको S दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे पांच पांच के चार ग्रुप्स को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। और मैंने कहा मोर देन 90% टाइम आपका क्या होगा, ये लॉजिक बिल्कुल अप्लीकेबल होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें दो तीन पाँच, तीन दो पाँच, दो और तीन पाँच, पाँच पाँच का हमने इनको चार ग्रुप्स में बांट लिया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, इट मीन्स जो बचा हुआ जगह वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पी क्यू को फिल करेंगे। आर डबल एस, तो आर डबल एस, यहाँ पे आर डबल एस, यहाँ पे आर डबल एस, ईजिली आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह। एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, अगेन चलिए ये इशू होते रहेंगे, हमें क्या करना है, हमें फोकस बना करके रखना है क्लास के ऊपर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको एलिमेंट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो एल, एम और ओ आपको, ओ एज वेल एज एन, यानी कि चार एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी, चार चार के तीन ग्रुप्स पे होगी। तो एक ग्रुप, दो ग्रुप और तीन ग्रुप। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो पहला एलिमेंट एल, फिर एम, यहां पे लेकिन पहला एलिमेंट आपको एल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि एल यहां पे जो पहला एलिमेंट था, यहां पे आपको दूसरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है और यहां पे आपको चौथा एलिमेंट दिखाई दे रहा है। इट मींस अगर हम बात करें यहां पे, तो ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट बट नॉट ऑन द सेम पोजिशन। पर हम अगर बात करें बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनता हुआ ये दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आपका एक एलिमेंट मिसिंग है जो कि क्या है, एन है। यहाँ पे एक एलिमेंट आपका मिसिंग है जो कि क्या है, एन है, और यहाँ पे एक एलिमेंट आपका मिसिंग है जो कि क्या है, एम है। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट बट नॉट ऑन द सेम पोजिशन, जो मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की। चलिए अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं, तो सबसे पहले क्या करना था अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है और ई दिखाई दे रहा है। क्या कोई एलिमेंट आपको ग्रुप में दिखाई दे रहा है, जी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चार चार के तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। चार चार के तीन ग्रुप्स में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या दिखाई दिया, सी दिखाई दिया। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा, फर्स्ट एलिमेंट सी, फर्स्ट एलिमेंट आपको सी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको लास्ट एलिमेंट जरूर यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा, सी दिखाई दे रहा है। यानी कि एलिमेंट्स यहाँ पे आपको शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें ई की, तो ई आपका यहाँ पे क्या था, सेकंड एलिमेंट था, यहाँ पे आपका जाकर के क्या बन गया, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था वो आपका यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बन गया। इसको और डिटेल में समझना अगर आप चाहते, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसमें, साइक्लिक ऑर्डर में। ये हो जाएगा आपका ई डैश सी और डी। तो अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो पहली चीज तो ये कि जो एलिमेंट यहाँ पे आपके क्या है, मिसिंग है, तो मिसिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले वाले में आपको ई मिसिंग दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले में आपको क्या मिसिंग दिखाई दे रहा है, ए मिसिंग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको क्या मिसिंग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको ए मिसिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे, तो ये प्रॉपर क्या बना रहे हैं, पैटर्न को बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से एलिमेंट आपके क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ई को भी आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे डी की बात करें, तो डी भी आपका इसी पैटर्न पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपका, किस पर बेस्ड है, साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड है। और ग्रुपिंग करके हम आसानी से पिक कर सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन की भी हम बात करेंगे, ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन और भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो चार 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 आठ, आठ चार बारह और चार सोलह। तो चार चार के इसको हम चार ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से।
अब अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, W पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, यानी कि यहाँ पे भी आपको साइक्लिक ऑर्डर यानी कि एलिमेंट्स आपको शिफ्टिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वाई यहाँ पे अगर तीसरे पे है, यहाँ पे चौथे पे, इट मीन्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया दूसरे पे। यहाँ पे अगर हम बात करें W पहले पे है, यहाँ W दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे, यहाँ चौथे पे, यहाँ की अगर हम Y की बात करें तो Y तीसरे पे, चौथे पे, फिर पहले पे, फिर दूसरे पे। U की बात करें तो U लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे U आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बचे हुए एलिमेंट की अगर हम बात करें तो बचे हुए एलिमेंट आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका बचा हुआ एलिमेंट हो जाएगा X, यहाँ पे भी बचा हुआ एलिमेंट हो जाएगा आपका X, और यहाँ पे भी बचा हुआ एलिमेंट हो जाएगा आपका X। अब आप इसको एक प्रॉपर पैटर्न में देख सकते हैं, यानी कि X आपका यहाँ दूसरे स्थान पे, यहाँ तीसरे स्थान पे, यहाँ चौथे स्थान पे, और यहाँ पहले स्थान पे। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका साइक्लिक ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको आप आसानी से बना सकते थे। चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 4, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 4, 4 के चार ग्रुप्स में इनको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस प्रकार से। अब अगर मैं बात करूं तो एम के, यानी कि यहाँ पे आपका M पहला एलिमेंट था, यहाँ पे भी आपका M पहला एलिमेंट है, यहाँ पे K पहला एलिमेंट है, फिर डबल J, यहाँ पे भी K पहला एलिमेंट है, डबल J। अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ सेम एलिमेंट की अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट एलिमेंट J है, तो यहाँ पे भी आपका लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, यानी कि M K डबल J, फिर M डबल J K, M K डबल J और M डबल J K डबल J M, सॉरी यहाँ पे K डबल J M, M K डबल जे और के डबल जे एम, इस प्रकार से आपको अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ सेम एलिमेंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाई देने कितने, 20। अब अगर यहाँ पे हम ग्रुपिंग की बात करें तो यह हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 5, 5 के चार पेयर बनेंगे या फिर 4, 4 के पांच पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम चर्चा करेंगे तो ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, और डी आपको यहाँ पे रिपीटिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी कि 5, 5 के चार ग्रुप्स हम इनके क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 1, 2, 3 और 4, क्लियर। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लास्ट एलिमेंट सभी में क्या दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डी को फिल करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सभी में ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए को फिल करेंगे। सेकंड एलिमेंट आपको सभी में बी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी को फिल करेंगे, यानी कि ए बी सी डबल डी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए बी सी डबल डी, ए बी सी ए बी सी डबल डी और ए बी सी डबल डी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की, अगर अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूँ, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एलिमेंट कितने दिखाई देने, 15, यानी कि या तो 3, 3 के चार पेयर बनेंगे, सॉरी 15 दिखाई देने, या तो 3, 3 के पांच पेयर बनेंगे, या तो 5, 5 के तीन पेयर बनेंगे। एलिमेंट्स की बात करें तो के एन यू एम एल, यानी कि यहाँ पे आपको मोर देन 3 एलिमेंट्स दिखाई देने, तो जो प्रायोरिटी होगी हमारी वो क्या होगी, 5, 5 के तीन एलिमेंट्स के साथ में होगी। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5 पहला ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5 दूसरा ग्रुप। अब यहां पे अगर मैं बात करूं के एल एन, यानी कि के बाद एल और एन, यानी कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एल सेकंड एलिमेंट, तो के एल एन। अब यहां पे आपको पूरा पूरा ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, के एल एन U M, तो ये हो जाएगा K, ये हो गया L, ये हो जाएगा N, ये हो गया U, ये हो गया M, यहाँ पे बचा आपका क्या, U और M। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो L K N U M, L K N U M ऑप्शन नंबर C आपको यहाँ पे क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन से अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को बनाने के बाद वो सही है, कितना ऑथेंटिक है आपका लॉजिक, ये भी आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि आपकी प्रूफिंग भी यहीं पे हो जाएगी, जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन बना लिए फिर भी आप डाउट में है कि क्वेश्चन मैंने जो बनाया वो सही बनाया या फिर गलत बनाया, यहाँ पे आपके पास एक वैलिड रीजन है उस क्वेश्चन को सही या फिर गलत बोलने का, जो कि आप ऑप्शन के साथ यहाँ पे बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फटाफट से क्या करनी है अपने को, ग्रुपिंग करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिखाई दे रहा है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे कितने, 14, यानी कि 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 2, 14। अब यहाँ पे आप इसकी ग्रुपिंग कैसे करोगे, तो ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो क्या एलिमेंट इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो आपके ग्रुपिंग से यहाँ पे बनने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन के साथ अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन आपके दो ऑप्शन में ए और ए दिखाई दे रहा है, और अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट की तो सेकंड एलिमेंट आपका तीन ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, जबकि एक ऑप्शन में आपका बी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के साथ जाते हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ में जाते हैं तो यहाँ पे हम ए को प्रायोरिटी दे सकते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे ए को फिल करते हैं, ए को फिल करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ए दिखाई दिया, यहाँ पे भी हमें ए दिखाई दिया, तो ए डबल बी सी। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर हम इन ऑप्शंस में जाते हैं तो हमें ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हो सकता है, या एलिमेंट यहाँ पे आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर में हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको बना करके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए के बाद में हमने यहाँ पे फिल कर दिया ए, जो कि आपको दो ऑप्शन में दिया गया है, तो डबल ए क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, डबल ए बी सी, यानी कि अभी हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, होल्ड पे करके चल रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, ए के साथ भी मिल रहा है, बी के साथ भी मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम जाते हैं बी के साथ तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, डबल ए बी सी, ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हम लोग जाते हैं किसके साथ में, ऑप्शन नंबर बी के साथ में अगर जाते हैं तो ट्रिपल बी हो जाएगा सी, ये आपको बनता हुआ वैलिड नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाते हैं तो ए डबल बी सी आपको वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए बी डबल सी, और यही सीरीज आगे आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें जो बचा हुआ एलिमेंट है, हम जा रहे थे किस ऑप्शन के साथ, हम जा रहे थे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो बचा हुआ एलिमेंट है वो क्या है, ए है। यानी कि ईच ग्रुप में आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट एक एक बार क्या हो रहा है, डबल बार आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार यहाँ पे डबल ए आपको बनता हुआ दिखाई दिया, फिर डबल बी, फिर डबल सी, अब यहाँ पे क्या जाएगा डबल ए एंड सो ऑन, ये सीरीज आपकी आगे भी क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से कंटिन्यू हो जाएगी। यानी कि एलिमेंट आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुपिंग से नहीं बनते। हालांकि यहाँ पे अगर आपका 16 एलिमेंट दिया होता तो ये आपके ग्रुपिंग से बन जाते, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें एलिमेंट्स की कि 2 से 3 हो गए, 4 हो गए, तो वहाँ पे आपके फिर एलिमेंट्स अगर 16 दिए, 18 दिए, 20 दिए, तो भी आप यहाँ पे ग्रुपिंग से फिर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन, और कैसे फटाफट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि तरीका हमारा वही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 18 आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है। एलिमेंट है कौन कौन से, सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें तो एल है, यू है, ए है, जेड है, एन है और पी है, यानी कि 6 एलिमेंट आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इनको 6-6 के ग्रुप्स में बांट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2, 6, फिर 2, 2, 4 और 2, 6 और यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ लास्ट में जेड है, यहाँ लास्ट में जेड है, तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अगर हम बात करें जेड की तो कौन सा वाला एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा एलिमेंट जेड है, तो 1, 2, 3, 4 पांचवा एलिमेंट यहाँ पे जेड आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ऐसे ही आंसर मार्क करके आ सकते हैं, पूरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन के साथ कैसे मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन बनाना है उसके बारे में मैंने बात करी, डिटेल में क्वेश्चन आपका सही है या नहीं उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा, इसको फिर पूरा फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप ऑप्शन से यहाँ पे मैच भी करा सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं। बस ये है क्या है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम हॉल में बिलीव करिए कि आप बहुत कम समय में, यानी कि जिन क्वेश्चन में आप 2 से 2.5 मिनट का समय गंवाते थे, उन क्वेश्चन को आप विदिन 30 सेकेंड आप आसानी से बना के कॉन्फिडेंस के साथ में आएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एलिमेंट सब में L है तो यहाँ हो जाएगा L, सेकंड लास्ट एलिमेंट सब में P है तो यहाँ हो जाएगा P, सेकंड एलिमेंट सब में N है तो N हो जाएगा,
यहाँ पे थर्ड एलिमेंट की बात करें तो यू हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा एन, और यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो हो जाएगा ए। यानी कि अगर यहाँ पे आप इसको मैच कराना चाहते हैं तो देखो एन पी एल यू जेड, एन पी एल यू जेड एन ए, ठीक है, आपको बिल्कुल वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 14। यहाँ पे ग्रुपिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो केवल और केवल ए और बी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सभी ऑप्शंस में आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा, तो डेफिनेटली यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ए के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा, फिर से आपको ए दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपको या तो बी दिखाई दे रहा है या तो ए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बी के साथ जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ए के बाद बी, फिर ए के बाद आपका डबल बी, यानी कि यहाँ पे अगर हम बी को फिल करते हैं तो ए के बाद ट्रिपल बी, और यहाँ पे बी को फिल करते हैं तो ए के बाद फोर टाइम्स बी। यानी कि ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनने वाला क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं बिना ग्रुपिंग के, यानी कि ये क्वेश्चन आपके ग्रुपिंग से तो नहीं बनेंगे, और जब आप इसको ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ अगर आप फैमिलियर हैं तो आप आसानी से बना पाएंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ट्रिपल बी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहीं ज्यादा हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे लिए बेहतर क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी देर में गिनोगे फिर कहोगे कि सर ने कहा था 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो ग्रुप्स में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट आपको यहाँ पे एक साथ ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स के साथ वाले एलिमेंट्स में जाइए, जैसे यहाँ पे टी है, एल है, जी है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, और टी के पहले की बात करें तो क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एल, तो एल के बाद क्या दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे एल के बाद जी, यहाँ पे भी एल के बाद जी, तो यहाँ पे आप चुपचाप से क्या फिल कर लेंगे, जी को फिल कर लेंगे, यहाँ पे भी एल के बाद आपको जी दिखाई दे रहा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। हमें कहीं भी ऑप्शन की तरफ या एलिमेंट को गिनने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे बिल्कुल बंच में जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं बिना किसी गैप के। तो इस प्रकार से हम कहीं से एक क्या करेंगे, बंच को उठाएंगे जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, और उसके बाद हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें एल जी सी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पे हम एच को फिल कर देंगे, और एच के बाद क्या आता है, टी आता है, तो टी को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बन जाएगा जी एच सी एल एच टी, यानी कि जी एच सी एल एच, जी एच सी एल एच टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए क्वेश्चन के लिए, जी एच सी एल एच टी। अगर आप इसको ग्रुपिंग से बनाते तो क्या ये क्वेश्चन ग्रुपिंग से बनता, बिल्कुल बनता। देखो कैसे बनता, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 25 या 24 होगा या 27 होगा, फिर से गिन लेते हैं भाई। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ओके चलो भाई 25 एलिमेंट है, तो फिर से गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एलिमेंट आपके यहाँ पे 25 ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसको जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाया था, इस प्रकार अगर हम बात करें तो लास्ट में ही आपका जा करके एंड हुआ था कहाँ पे, टी पे, ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो ग्रुपिंग बन रही थी तो एल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी, ओके, यानी कि ये बन रहा था 5, 5 के 5 एलिमेंट्स का ग्रुप, एच जी सी एच एल जी, ठीक है। यानी कि ये 5, 5 के 5 यहाँ पे एलिमेंट, अगर यहाँ पे आपके 25 हैं तो 5, 5 के 5 एलिमेंट्स का यहाँ पे आपको ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, एल जी
CHT, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे कि आपके जो एलिमेंट है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बार इसकी काउंटिंग की। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। एलिमेंट्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, SEZF, चार एलिमेंट दिख गए, मतलब चार चार के तीन ग्रुप्स में इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चार चार के तीन ग्रुप्स में इनको हमने बांटा, लास्ट में यहाँ पे भी ई मिला, यहाँ पे भी ई मिला, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जेड है, मतलब यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट जेड, यहाँ भी सेकंड एलिमेंट जेड, सॉरी थर्ड एलिमेंट यहाँ पे जेड है, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे भी जेड, यहाँ पे भी जेड। ठीक है, सेकंड एलिमेंट सभी में एस है ऑलरेडी, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे अगर एफ है तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो एफ एस जेड ई के तीन पेयर आपको इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ जेड एफ ई, एफ जेड एफ ई और लास्ट में जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, एफ जेड एफ ई और जेड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो फटाफट से क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि या तो 5-5 के चार पेयर बनेंगे या तो 4-4 के पांच पेयर बनेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो के ओ एम सी एल, यानी कि पांच एलिमेंट तो आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 5-5 के चार ग्रुप्स हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटी किसके साथ होगी, 5-5 के चार ग्रुप्स के साथ। तो ये हो गया पहला ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया आपका तीसरा ग्रुप और ये हो गया आपका चौथा ग्रुप। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पहला एलिमेंट के दिखाई दिया, फिर आपको यहाँ पहला एलिमेंट एल दिखाई दिया, फिर आपको यहाँ पे एम दिखाई दिया, यहाँ पे एन दिखाई दिया, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलिमेंट आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं। जबकि हम बात करें बाकी के एलिमेंट की, के एल एम एन, जबकि हम बात करें बाकी के एलिमेंट की, तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट आपको एम, यहाँ भी फोर्थ एलिमेंट एम, यहाँ भी फोर्थ एलिमेंट एम, यानी कि यहाँ पे भी फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट आपको सी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सी, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड एलिमेंट की तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आपको क्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी क्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट की, यानी कि थर्ड एलिमेंट यहाँ भी क्यू और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा ओ। आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ओ क्यू सी एम, क्यू ओ क्यू सी एम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने बैठेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या कहा, जहां पे आपको मैक्सिमम एलिमेंट्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं वहां से हम इनको ग्रुप में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पी सी टी डी दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे यानी कि आपका मिसिंग क्या है, पी मिसिंग है, तो यहाँ पे हम पी को क्या कर सकते थे, फिल कर सकते थे। पी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते थे। एक मिनट, चलिए, यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं पी सी टी डी, ठीक है, इसी प्रकार पी सी टी, तो यहां पे हम डी को फिल कर सकते हैं। पी के पहले क्या है यहाँ पे, तो पी के पहले आपका जी है, तो यहाँ पे हम जी को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से एक आपको ग्रुप बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जी पी सी टी डी ए, जी पी सी टी डी ए, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डब्लू, फिर आपका आ जाएगा पी, और यहाँ पे आपका आया एम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम, और फिर आपका आया जेड, तो आपको दिखाई देगा जेड। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग नहीं करेंगे, जहाँ पे हमें बंच में एलिमेंट्स दिखाई देंगे उन्हीं एलिमेंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे आसानी से फिल कर लेंगे और ऑप्शन से मैच करा लेंगे। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ग्रुपिंग से सॉल्व करें तो ग्रुपिंग से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आपका आता है पी, फिर आएगा सी टी डी, फिर यहाँ पे आएगा आपका ए। ठीक है, इस प्रकार अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी ए जी एम डी डब्ल्यू, पी ए जी एम डी डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि आप इसको ग्रुपिंग से कैसे सॉल्व कर सकते थे, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. यानी कि आपके क्या है, 30 एलिमेंट है। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें अलग अलग, तो कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है, जेड दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कुछ बच गया है यहाँ पे, तो आपको M भी दिखाई, M हो गया, G हो गया, C हो गया, P हो गया, D हो गया, Z हो गया, ठीक है। आठ एलिमेंट अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो किसके साथ में जाएगी, मोर देन एट, मोर देन एट, यानी कि एट से कम में तो हम 6, 5, 30 बना सकते थे, या 10, 10 के तीन पेयर हम यहाँ पे 30 में बना सकते थे, ठीक है, या 5, 5 के हम 6 पेयर बना सकते थे। तो 5 से भी ज्यादा होगा एलिमेंट, 6 से भी ज्यादा होगा, तो हम 10 वाले के साथ में जाएंगे, और 10, 10 के तीन अगर आप इसके ग्रुप्स बनाएंगे तो भी ये क्वेश्चन आसानी से आपका बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको कॉपी पे 10, 10 के ग्रुपिंग में ट्राई करके बना सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 एलिमेंट है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे। Z है, C है, Y है, E है, X से 5 एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, मतलब 5, 5 के तीन ग्रुप। अब यहाँ पे आपका एक ही एलिमेंट बच रहा है, कौन सा, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट बच रहा है वाई, यानी कि लास्ट में यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ई, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सी है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा जेड, क्योंकि हर जगह आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसर की बात करें तो हो जाएगा एक्स जेड सी ई वाई, एक्स जेड सी ई वाई, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, फटाफट से बना लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, 4, 3, 7 ये हो गए, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 2, 18 यानी कि या तो 6, 6 के तीन ग्रुप, या तो 3, 3 के 6 ग्रुप। एलिमेंट आपको ऑलरेडी 3 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसके साथ में जाएगी, 6, 6 के तीन ग्रुप के साथ में जाएगी, तो 2, 2, 4, 2, 6 फिर 2, 2, 4, 2, 6 और यहाँ पे 6, ठीक है। लास्ट एलिमेंट की बात करें तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आपको पी नजर आ रहा है, बाकी में आपके पास लास्ट एलिमेंट मिसिंग है। फर्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट एलिमेंट यहां पे आपको R नजर आ रहा है, यहां पे आपको P नजर आ रहा है, यहां पे आपको S नजर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये साइक्लिक ऑर्डर या फिर शिफ्टिंग फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां पे बात करें ऑप्शन की प्रायोरिटी की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शंस में आपके पास S है, तो आप S के साथ में जा सकते हैं, यानी कि डबल R, डबल P, डबल S। अब यहां पे अगर हम बात करें तो पहले प्रायोरिटी P की हो जाएगी, यानी कि डबल P, डबल S, डबल R, यहां पे अगर हम बात करें तो डबल R और डबल P, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको आप आसानी से बना सकते थे। आंसर की बात करें तो S P R, S P डबल R P, एस पी डबल आर पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, फटाफट से आप लोग यहाँ पे अभी कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सही सही आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो यहाँ तक हो गए 4, 4, 3, 7, 1, 8, 8, 4, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, यानी कि 4, 4 के तीन पेयर में इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे भी एफ है, तो यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एफ मिल रहा था। अगर हम बात करें सेकंड एलिमेंट की, तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी फिल करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट सब में बी है, तो यहाँ पे बी फिल करेंगे, यानी कि अगर ग्रुप की बात करें तो बी डी सी एफ करके आपका यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें बी डी सी एफ। आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी डबल डी एफ सी, बी डबल डी एफ सी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अगले पूछे गए प्रश्न की। यहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इन जनरल आपको देखने को भी मिलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो। इसके बाद कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फटाफट से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 यानी कि या तो 5, 5 के चार पेयर, या फिर 4, 4 के पांच पेयर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो पी दिखाई दे रहा, आर दिखाई दे रहा, बी दिखाई दे रहा, एन दिखाई दे रहा और क्यू दिखाई दे रहा, यानी कि पांच एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी जाएगी 5, 5 के चार ग्रुप्स के साथ, तो ये हो गए 3, 2, 5 3, 2, 5। लास्ट एलिमेंट सब में आपको एन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा।
अगर हम बात करें थर्ड लास्ट एलिमेंट आपको जिसमें एन दिखाई दे रहा है, थर्ड से लास्ट एलिमेंट तो यानी कि आपको एक ही ऑप्शन में एन दिखाई दे रहा है जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये एग्जाम में बनाने का तरीका है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बताता चला रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए केवल मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आर है, फर्स्ट एलिमेंट पी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यू, फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको बी, फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर, फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको आर, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेकंड लास्ट एलिमेंट बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीन, तीन तीन छः, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, यानी कि या तो छः छः के चार ग्रुप, या तो चार चार के छः ग्रुप, या तो आठ आठ के तीन, और तीन तीन के आठ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम चर्चा कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि डिफरेंट टाइप के जो आपके एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो कितने और कौन कौन से हैं। तो एक तो दिखाई दे रहा है ए, एक दिखाई दे रहा है बी, एक दिखाई दे रहा है सी, फिर डी, फिर ई, फिर बी आपको डबल बार दिखाई दे रहा है, डी भी दो बार दिखाई दे रहा है, ई भी दो बार दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दो तीन और ले लेंगे तो पांच ये हो गए, तीन ये हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए आपके आठ। तो आठ आठ के इनको हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि आठ आठ के तीन ग्रुप्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो ये हो गया तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तीन तीन छः दो आठ, और यहाँ पे बच गए कितने, चार चार आठ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दो एलिमेंट लास्ट में ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट ई है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी ई को फिल कर देंगे और इन दोनों में भी ई को फिल कर देंगे। इतना पर्याप्त है आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क करने के लिए। यानी कि अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं क्लियरली ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट से जो आपका थर्ड और फोर्थ एलिमेंट है वो आपको ई बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ए डबल भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, सी डी डबल ई, ठीक है, सी डी डबल ई, जो कि यहाँ पे आपको आंसर बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आते हैं कुछ मिसलिनियस टाइप के, अच्छा अभी अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी बचा हुआ है, तो अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी देख लेते हैं, जहाँ पे आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सत्रह से हो जा रहा है कितना, देखो सत्रह से हो जा रहा है उन्नीस, 19 से हो जा रहा है 21, 21 से हो जा रहा है 23, तो 23 से कितना हो जाएगा 25, जो कि वैल्यू होती है किसकी, y की। यहाँ पे देखो 6 से हो जा रहा है 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से हो जाएगा 2, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, b की। नंबर की बात करें तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आपने नंबर सीरीज का सेशन देख लिया है, अल्फाबेटिकल सीरीज का सेशन देख लिया, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तीन से हो जा रहा है आठ, यानी पांच का डिफरेंस, आठ से हो जा रहा है पंद्रह, यानी कि सात का डिफरेंस, पंद्रह से हो जा रहा है चौबीस, यानी कि नौ का डिफरेंस, चौबीस से हो जा रहा है पैंतीस, यानी कि ग्यारह का डिफरेंस, तो अगला हो जाएगा तेरह का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं पांच दो सात, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, तेरह दो क्या हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फाबेट की, यानी कि लेटर कौन सा आएगा, तो ये हो जा रहा है बीस से उन्नीस, उन्नीस से अट्ठारह, अट्ठारह से सत्रह, सत्रह से सोलह, सोलह से क्या हो जाएगा यहाँ पे पंद्रह, यानी कि ओ, 48 O 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो पांच दो सात, सात तीन दस, दस चार चौदह, चौदह पांच उन्नीस, यहाँ पे देखिए सात तीन दस, दस चार चौदह, चौदह पांच उन्नीस, उन्नीस छ पच्चीस, यहाँ पे देखिए चार तीन सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह और चार, ओके, यानी कि चार में तीन जोड़े सात, सात में चार जोड़े ग्यारह, ग्यारह में पांच जोड़े सोलह, सोलह में छह जोड़ेंगे तो बाईस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका V, क्लियर। प्लेस वैल्यू वगैरह सारी ही मैंने आपको बता दी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन फॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि कैसे प्लेस वैल्यू से हम डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शंस के साथ में जाएंगे तो आपको पूरे यानी कि तीनों के तीनों टर्मिनोलॉजीज के आंसर निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शंस में से ही क्या कर लेंगे, आंसर क्या बनने वाला, आप बाकी के ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। 17, 6, 23, 23 और आठ, 31, 31 और 6, 37, 37 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45,
यहाँ पे देखिए 20 4 24 24 2 26 26 4 30 30 2 32। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 3 9 9 4 13 13 3 16 16 4 20 यानी कि टी। क्लियर, तो लॉजिक भी आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक बार 6 जुड़ा, फिर यहाँ पे आपको एक बार 8 जुड़ा, फिर यहाँ पे 6 जुड़ा, तो अगली बार हमने 8 जोड़ दिया। यहाँ पे देखिए एक बार 4 जुड़ा, फिर यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर यहाँ पे 4 जुड़ा, तो अगली बार हमने 2 जोड़ दिया। अल्फाबेट की बात करें तो 6 3 9 पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर यहाँ पे 3 जुड़ा, फिर अगली बार हमने 4 जोड़ दिया, यानी कि 16 4 क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो 3 से बन रहा है कितना, 5, 5 3 8, 8 4 12, यानी कि 3 में 2 जोड़ा हमने, 5 बन गया, 5 में 3 जोड़ा 8 बन गया, 3 में 4 जोड़ा 12 बन गया, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, 17, यानी कि Q। नंबर की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है आपका 21, 21 में से 4 घटाओगे तो 17, और 17 में से अगर हम बात करें 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में से अगर हम बात करें 8 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 3, और 3 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, हालांकि आपको ऐसा भी माइनस में भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक और अगर मैं यहां पे लॉजिक की बात करूं, यहां पे एक और अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो एक और लॉजिक आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से आपको देखने को मिलना चाहिए इस क्वेश्चन में। सी की अगर मैं बात करूं तो सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, प्लेस वैल्यू होती है 24, दोनों का डिफरेंस ले लिए तो हो गया 21। ई का अपोजिट लेटर होता है 22, ई का अपोजिट लेटर वी जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 22 और 5 का डिफरेंस ले लिए तो 17। एच का अपोजिट लेटर होता है एस, प्लेस वैल्यू होती है 19, दोनों का डिफरेंस ले लिए तो आ गया 11। एल का अपोजिट लेटर होता है ओ, प्लेस वैल्यू होती है 15, दोनों का डिफरेंस ले लिए तो हो गया 3। अगला मिला था हमें यहाँ पे क्यू, Q का अपोजिट लेटर होता है J, प्लेस वैल्यू इसकी होती है 17, इसकी होती है 10, दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो आपको प्लस में भी 7 देखने को मिल सकता है, यानी कि इस लॉजिक के तहत ऐसा नहीं कि आपको माइनस में 7 दिखाई दे तो ही आंसर होगा, यानी कि इनके अपोजिट लेटर और इनकी प्लेस वैल्यू के बीच, यानी अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू और इनकी प्लेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि बड़ी प्लेस वैल्यू में से जो छोटी प्लेस वैल्यू का हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे वो यहाँ पे आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे, तो ये लॉजिक यहाँ पे आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना कि ये क्या पूछ लिया, यहाँ पे करना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्यूबोक्लोसिस, फिर आपको दिखाई दे रहा है डेस्टिनेशन स्टैंड, और यहाँ पे आपको नोरोवायरस। ठीक है, अब अगला क्या होगा, अगला ऑप्शन हमें पिक कैसे करना है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लॉजिक को केवल समझना है। अगला आपका कोई भी एक गिवन वर्ड हो सकता है, ये जो भी वर्ड्स आपको दिए गए अगर आप ध्यान दें इन वर्ड्स की स्टार्टिंग जो हो रही है, इनके जो दो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, यानी कि टी के बाद आपको क्या मिलता है, यू मिलता है, डी के बाद आपको ई मिलता है, एस के बाद टी मिलता है, एन के बाद ओ मिलता है, तो जो आपका ऑप्शन यानी कि जो आपका आंसर बनेगा उसके भी स्टार्टिंग के दो लेटर्स क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स होंगे। इन द सेम वे यहाँ पे आप देखिए ए बी डी ई ई एफ ए बी, तो जो भी आपका आंसर बनेगा वहां पे भी स्टार्टिंग के दो आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स होंगे। इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के दो लेटर्स हैं देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉन्जिक्यूटिव भी है साथ ही साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि टी यू ई एफ ओ पी ए बी। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन होगा वहां पे भी क्या होंगे, दो लेटर स्टार्टिंग के कॉन्जिक्यूटिव होंगे एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग निकाल पाते हैं। अगर आप में से किसी का भी आंसर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का आ जाता है, यानी कि लॉजिक निकल करके आ जाता है कि क्या लॉजिक होने वाला है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये लॉजिक निकाल लिया था।